हेलो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज़ द सेल वॉट इज सेल थियोरी एंड वेरियस ऑर्गेनल्स देर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन दैट सेट डू डे वी लर्न न्यू ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी गोल्गी एपरेटस जो है या गोल्गी बॉडी है बेटा इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट नेम है उनके नेम से ही इस ऑर्गेनल को गोल्गी बॉडी बोला जाता है अगर हम बात करें गोल्गी बॉडी क्या होगी तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये मेम्ब्रेनस सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टैक में होते हैं यानी कि एक के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन की परत होती है बेटा उसे ही गोलगी बॉडी बोला जाता है सेक्स आर यूजुअली फ्लैट एंड आर कॉल्ड क्रिस्टेन अगर हम बात करेंगे तो ये सेक्स आपको दिख रहे हैं ये मेम्ब्रेनस सेक दिख रहे हैं ये फ्लैट है बेटा देखो कैन यू सी दे आर फ्लैट एंड एक के ऊपर एक वो चढ़े हुए है, हैं यानी क्रिस्टेन बोला जाता है हैज़ टू एंड्स सिस फेस सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांस फेस सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। अगर आप देखेंगे जब इसको हम सेल में स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका बेटा दो साइड uh, होता है सिस फेस और ट्रांस फेस तो यहाँ पे आपको सिस फेस दिख रहा है ये न्यूक्लियस होता है ठीक है ना? एंड दिस इज योर सेल मेम्रेन इसके इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो इसी के पास ये गोलगी बॉडीज पाई जाती है बेटा ठीक है और ये जो सिस फेस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाता है और ये जो ट्रांस फेज है बेटा ये जाता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ किनारे की तरफ ठीक है गोल कैमिलो गोलगी ने ये डिस्कवर किया था ऑर्गेनेल ये मेम्ब्रेन की परत का एक स्ट्रक्चर होता है और इसकी दो फेज होते हैं सिस फेज एंड ट्रांसफेज सीस फेज जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि न्यूक्लियस की तरफ फेजड होता है या उस साइड में होता है और ट्रांस फेज जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के टाइप साइड में होता है अगर हम फंक्शन देख रहे हैं तो ये इसका काम क्या है ये मॉडिफाई करता है सॉर्ट करता है एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल जितना भी सेल सिंथेसाइज करता है फूड मटेरियल जैसे न्यूक्लियस ने रइबोजोम्स को सिंथेसाइज किया और वो राइबोसोम्स सिंथेसाइज होने के बाद में अमानो एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ देर के लिए वो गोलगी ऑपरेट में स्टोर किए जाते हैं बेटा फूड को यहाँ पर स्टोर किया जाता है पैक किया जाता है ताकि वो आगे भेजा जा सके माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स डिलीवरी सिंथेसाइज मटेरियल्स टू वेरियस टारगेट इनसाइड सेल एंड आउटसाइड द सेल इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा ये जितना भी सेल uh, मटेरियल का जो वेस्ट मटेरियल है या फूड मटेरियल है या जो भी सिंथेसाइज्ड मटेरियल है वो बाकी के ऑर्गेनेल्स को सप्लाई करने का काम करता है ये वैक्यूल और सिक, सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाने का भी काम करता है इसमें आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनेल्स बनाने का भी काम करता है जो कि वैक्यूल्स होते हैं जो फूड स्टोर या वेस्ट स्टोर करता है वेसिकल्स होते हैं ये भी एक टाइप के व, आ, क्या बोलते हैं आपको वैक्यूल्स oh, होते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है कुछ समय के लिए फैट uh, स्टोर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का भी काम करते हैं और लाइजोजोम्स को भी बनाने का काम करते हैं लाइजोजोम आपको पता ही है जो कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल होता है तो ये ऑर्गेनिक uh, क्रिएट करने का काम करते हैं लाइजोजोम्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है नाउ विल गो फॉर द वैक्यूल वैक्यूल क्या है बेटा एक सिंगल मेम्ब्रेन सैक है जो फिल्ड विथ लिक्विड और सैप अगर हम बात करेंगे तो वैक्यूल एक सिंगल मेमेंट का स्ट्रक्चर होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक लिक्विड फील होता है या सैप से होता है जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है ये जो लिक्विड होता है या सैप होता है वो किस चीज का बनाता है वाटर शुगर एंड आय का इसमें बहुत सारी वाटर होगा शुगर होगा और आयस होंगे ठीक है ना ये देखो आप कैन यू सी द वैक्यूल इन एनिमल्स एंड वैक्यूल्स आर टेम्पररी एनिमल सेल्स में क्योंकि वैक्यूल्स की नीड नहीं, नहीं होती है एनर्जी रेगुलर uh, सिंथेसाइज होती है और फूड uh, जो है वो कंटिन्यूस मेटाबोलाइज होता है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो ये बड़ा स्मॉल साइज़ का होता है और फ्यू इन नंबर होता है लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की खासियत ये होती है कि उसके अंदर बिग वैक्यूल होता है सेंटर प्लेस्ड प्लांट सेल में सेंट्रली प्लेस्ड एक बिग वैक्यूल होता है इसी वजह से uh, जो न्यूक्लियस होते हैं प्लांट सेल में वो साइड में पाए जाते हैं नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड मोरी नंबर मे बी कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है बेटा ये जो मोमेंट यानी कि जो उसकी मेमरेन होती है ये सिकुड़ सकती है या नहीं भी सिकुड़ सकती है टाइट भी रह सकती है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है यानी कि उसमें लचीलापन होता है या नहीं भी हो सकता है तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनका बेसिकली काम होता है फूड स्टोरेज करना वेस्ट मटेरियल स्टोरेज करना स्टोर वेरियस सब्सेंसेज इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट ये एक और काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर लिक्विड होता, uh, होता है या सैप होता है या वाटर का कंटेंट होता है तो ये बाकी के सेल ऑर्गेनल्स का या सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का, का काम करते हैं यानी कि सेल की टर्जिडिटी को लूज़ नहीं होने देते हैं सेल के अंदर जो रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट है उसको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं uh, ये अगर हम बात कर रहे हैं वैक्ूल की इन अमीबा सेल तो वहाँ पे वो फूड को स्टोर करता है वो उसका एक टाइप का हम बात कर सकते हैं डाइजेशन के लिए स्टमक है लेकिन अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे वो फूड स्टोर करता है ये टर्जिडिटी और ईजिडिटी देता है प्लांट सेल को यानी कि जो प्लांट सेल को पानी की आवश्यकता होती है समय समय पर और जो उसे मजबूती चाहिए होती है वो ये वैक्ूल प्रोवाइड कराता है बेटा माइटोकॉन्ड्री हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा ना विल गो फॉर द प्लास्टिड्स प्लाटस बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा ये ऑर्गेनल्स जो होते, है, होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं फाउंड इनसाइड प्लांट एंड सम अलगी प्लाटसीज आपको एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे ये आपको सिर्फ प्लांट्स और अलगी में मिलेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड प्लास्टिड्स का एक काम होता है बेटा ये क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करते हैं और ये फूड जनरेट करने में काम करते हैं तो ये सिर्फ ग्रीन अलगी या ग्रीन प्लांट्स में ही पाए जाते हैं दे ऑफन कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट डेट कैन चेंज द कलर ऑफ सेल इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ल्लोप्लास्ट इलाइनोप्लास्ट अमाइनोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट बेटा आपको पता ही है लीफ में कलर आता है फ्लावर्स में कलर आता है फ्रूट्स में कलर आता है तो so, ये कलर्स की किस किसपे होती है ये प्लास्टिक्स में क्योंकि इनमें कलर पिगमेंट्स होते हैं जो ये टाइम टू टाइम सेल्स को प्रोवाइड कराते हैं क्रोमोप्लास्ट बेटा ये क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिक दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर पिगमेंट्स इनका मेन काम क्या होता है क्रोमोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिक्स का ही टाइप है जो पिगमेंट स्टोर करने का काम करता है देखो आपको मैंने बताया था ये कैरेट में जो कैरोटीन कलर आता है मैंगो में जो पिगमेंट होता है जेंदोफिल उसकी वजह से ऑरेंज कलर आता है टोमेटो में लाइकोपिन होता है जिसकी वजह से रेड कलर आता है और एक टेंगी सा फ्लेवर आता है तो ये डिफरेंट कलर्स फाउंड जो होते हैं फ्लावर्स वेजिटेबल्स में वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं ये प्लास्टिक्स का ही टाइप होते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट ये लाल कलरलेस प्लास्टिक्स होते हैं इनका काम होता है बस फूड को स्टोर करना ट्यूबर्स और सीड्स में और फ्रूट्स में पाए जाते हैं जैसे कि पोटैटो के ट्यूबर में पाया जाता है जहाँ ये स्टोर कहता है स्टार्च मेज में ये पाया जाता है भुट्टा में जहाँ ये प्रोटीन को स्टोर करता है बेटा और कैस्टर सीड्स में ये ऑयल को सीड्स करता है स्टोर अब आते हैं जो मेन हमारा ऑर्गेनेल है जिसे हम फूड फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं वो है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के लिए दूसरा नेम क्या है बेटा फूड फैक्ट्री ऑफ सेल क्योंकि ये उसके लिए फूड जनरेट करने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट भी आपको प्लांट सेल्स में ही मिलेंगे यू कॉन्ट फाइंड क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल्स ये भी बेटा डबल माम्रेन बाउंड होते हैं डबल मैन मैमरेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं ये स्पेरिकल या डिस्कोलाइडल शेप होते हैं डिस्कोलाइडल यानी कि डिस्क जैसा शेप होता है बेटा ठीक है ना और स्पेरिकल शेप में होते हैं इनके दो डिस्टिंग रीजन होते हैं ग्रहणा एंड स्ट्रोमा ग्रेना जो होता है बेटा वो बाहर का जो परत होती है उस ग्रेना जो होता है स्टैक्स ऑफ थैलोकॉइड होता है देखो ऐसे ऐसे इसे ग्रेना बोला जाता है बेटा जिनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और स्ट्रोमा जो होता है बेटा इसके अंदर ये ग्रेना के अंदर एक लिक्विड होता है फिल जिसे स्ट्रोमा बोला जाता है ठीक है ना मेन काम क्या है ये सनलाइट एनर्जी को डिफरेंट वेवलेट की जो सनलाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करते हैं लीज स्टेम्स और वेजिटेबल्स को अब हम आ जाते हैं सेंट्रोजोम्स में ये भी बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन होते हैं ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं ये दो स्ट्रक्चर के होते हैं कॉल्ड सेंट्रोल्स सेंट्रल्स जो होते हैं ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड बाय माइक्रो ट्यूबल्स ये जो होते हैं बेटा देखो हॉलो होते हैं यानी कि इनके अंदर खालीपन होता है गैप होता है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये राइट एंगल्स में प्रेजेंट होते हैं ईच अदर के अगर हम देखेंगे तो इनका जो प्लेसमेंट होता है nucleus के पास वो राइट right एंगल में होता है बेटा इनका फंक्शन क्या है ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने का, का काम करते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रोमोजोम्स की मूवमेंट को सेल डिवीजन के टाइम में क्योंकि देखो न्यूक्लियस जो है आपका इसके जो क्रोमोजोम्स हैं जब ये सेल डिवीजन करेंगे और एक से दो क्रोमोजोम्स डेवलप होंगे उसमें ये इसके मूवमेंट में ये सेंट्रोजोम्स हेल्प करते हैं और ये सीलिया और फ्लेजिला कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या जो जिससे वो चलते हैं या मूव करते हैं उसको फॉर्म करने का भी काम करते हैं जैसे पैरामिशियम में आप देखेंगे तो उसमें सीलिया पाया जाता है फ्लैजिला होता है वो भी पाया जाता है जो कि मोमेंट में हेल्प करता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अब आज में आ जाते हैं लास्ट ऑर्गेनल में जिसका नाम है साइटोस्केलीटम बेटा ये भी माइक्रो फिलामेंट से बना होता है ये हॉलो ट्यूबुलर प्रोटीन से बना होता है ट्यूबुलिन देखिए आप कैन यू कैन सी ओके Uh, ये रॉड शेप होते हैं बेटा और स्पेशल uh, प्रोटीन के बने होते हैं एक्टिन इनका काम होता है शेप डिसाइड करना सेल की शेप कैसी बनेगी उसको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देना और सेलुलर मूवमेंट्स के यानी कि जो सेल में जो ऑर्गेनल्स ने जो प्रोड्यूस किया है उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये बेटा आई गेस यू हैव अंडरस्टूड होल चैप्टर